तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, किसी लार्ज नंबर में फैक्टोरियल निकालेंगे। सपोज कर लीजिए, अगर हमको 120 का फैक्टोरियल निकालना है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है, 100 का फैक्टोरियल निकालना है या 1000 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। क्योंकि जो स्मॉल नंबर का फैक्टोरियल है वो ईजिली निकल जाता है इंटीजर के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर का एक लिमिट होता है। तो उस लिमिट से कम में हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक वेक्टर का यूज़ करेंगे, मतलब वेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे लेंगे। ठीक है, डायनेमिक एरे लेंगे। डायनेमिक एरे में हम लोग क्या करेंगे, डिजिट बाय डिजिट उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल n इक्वल टू 5 120। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक एरे का यूज करेंगे। और जो एरे में इनिशियल में हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, 1 को। क्योंकि जब हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में कर सकते हैं, 1 हमेशा कॉमन होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले ही स्टोर कर देंगे और उसके बाद बाकी 2 से हम लोग लूप चलाएंगे, n तक चलाएंगे और उसको स्टोर करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर एनसो नाम का वेक्टर बनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल में इसमें 1 पुश कर देते हैं, एनसो डॉट पुश बैक 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे। ठीक, उसको तो फॉर लूप का यूज करेंगे, इंट आई इक्वल टू 2। क्योंकि 1 से हम लोग इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि 1 ऑलरेडी हम लोग पुश कर चुके हैं उसमें। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से लूप चलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू n तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद जे वाला लूप चलाएंगे, जे लूप चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे, जे इक्वल टू 0 से। 0 से चलाने के बाद एंसर डॉट साइज, मतलब जितना एरे की लेंथ होगा वहाँ तक हमको लूप चलाना है। उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इंट एक्स इक्वल टू एंसर ऑफ जे मल्टीप्लाई आई प्लस कैरी, मतलब कैरी भी हमको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर ऑफ जे है उस इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जो फर्स्ट डिजिट है मॉडुलस से हम लोग डिजिट निकाल के इसको स्टोर कर देंगे और कैरी को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो कैरी डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये हम लोग का काम होगा। अगर उसके बाद कैरी बचता है, ठीक है, वाइल कैरी, उसको क्या करेंगे, एंसर डॉट पुश बैक, इसको भी क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे उसमें। ठीक है, कैरी मॉडुलस 10। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कैरी को अपडेट कर देंगे हम लोग। अपडेट करने के बाद ये हम लोग का जो है वाइल, अगर कैरी ज़्यादा डिजिट का हो तो हम लोग इसका वाइल लूप का यूज किए हैं, वरना हम लोग अगर सिंगल कैरी बचता तो इफ का भी यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब फैक्टोरियल निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे कैरी ज़्यादा बचेगा, अगर 3 डिजिट का हो तो कैरी उसमें ज़्यादा बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग वाइल लूप का यूज किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसको पुश कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम लोग का आउटपुट आता है वो आता है, रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो एरे में स्टोर होता है तो उसका अपोजिट स्टोर होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, आंसर डॉट बिगिन टू आंसर डॉट एंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं बाकी कहीं तो दूसरा, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं इसको।
उसको रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ हम लोग का जो आउटपुट है 120 122, मतलब मैच हो गया। तो एक कस्टम आउट इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 50 ले लेते हैं। ठीक, 50 लेने के बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग 50 के जो फैक्टोरियल निकाले हैं, 50 50 फैक्टोरियल निकाले हैं, तो मैच कर देगा। मीन्स हम लोग का जो आंसर है वो मैच कर रहा है कंपाइलर के। मीन्स तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सबमिट कर देंगे।